हाय फ्रेंड्स, राजेश हियर फ्रॉम technobuzz.net। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोको X3 के Xiaomi EU ROM के बारे में, जिसको हमने पोको X3 के जो इंडियन वर्जन है उसके अंदर इंस्टॉल कर रखा है, जिसका कोड नेम जो है करना है। आपको जैसे ही पता है कि पोको X3 जो है दो वेरिएंट्स में आते हैं, एक ग्लोबल में जो NFC के साथ मिलता है और एक इंडिया में जो विदाउट NFC के साथ मिलता है। तो जो ग्लोबल मिलता है उसका जो कोड नेम है वो है सूर्या, और जो इंडिया में देखने को मिलता है उसका कोड नेम है करना। तो हम इस टाइम पे जो है करना मॉडल यानी पोको X3 इंडियन वर्जन यूज़ कर रहे हैं, और आप देख पा रहे होंगे ऑल स्पेक्स में एंड्रॉइड वर्जन 10 आपको देखने को मिलता है। सिक्योरिटी पैच आपको 1st of October 2020 एंड MIUI वर्जन 12.4.0 स्टेबल वर्जन है, जिसको हम अपने फ़ोन के अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा क्यों ये इंडियन वर्जन से ज़्यादा बेटर है और कैसे जो है आप इसको अपने फ़ोन के अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इंडियन यूजर्स हैं वो काफी टाइम से जो है एक रिक्वेस्ट कर रहे थे हर कम्युनिटी के ऊपर पोको की, कि वापस जो है उनको पोको X3 के अंदर जो है MIUI का डायलर चाहिए, जो कि आपको इंडियन वर्जन में देखने को नहीं मिलता है। बट Xiaomi EU के रोम के अंदर जो है आपको इंडियन वर्जन देखने को मिल जाता है, जो कि कुछ इस तरह का लुक आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपको रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आपको जो है इसके अंदर MIUI का डायलर देखने को मिलता है, जो कि सबसे अच्छी बात है। हाँ, लॉन्चर आपको पोको का ही देखने को मिलता है, MIUI का लॉन्चर नहीं देखने को मिलता है। बट इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है कि कैसे आप अपने पोको X3 के अंदर जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, सुपर वॉलपेपर्स, MIUI डायलर, और साथ ही साथ आप जो MIUI का लॉन्चर है उसको कैसे यूज करते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। कैमरे की बात की जाए तो कैमरा एज इट इज आपको वही लेटेस्ट इसके अंदर देखने को मिलता है। अगर पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है आपको, मोर मोड में जाए तो आपको नाइट साइट, 64 मेगापिक्सल, शॉर्ट वीडियो, पैनोरमा, डॉक्यूमेंट्स, ब्लॉग, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, फ्रंट बैक, AI वाटरमार्क, लॉन्ग एक्सपोजर और क्लोन मोड, ये सभी मोड जो है आपको इसके अंदर वर्किंग देखने को मिलते हैं। अगर वीडियोस की बात की जाए तो वीडियो के अंदर आप 720 पे 30 fps, 1080 पे 30 एंड 60 एंड 4K पे आप 30 fps के अंदर आप इसके अंदर रिकॉर्डिंग्स को कर पाते हैं। इवन जो गैलरी है वो भी फुल्ली अपडेटेड है, आपको सारे के सारे लेटेस्ट फीचर्स इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। सारे के सारे फिल्टर्स आपको मिले हैं, इवन जो आपको स्काई मोड के सभी फिल्टर्स आपको दिए गए हैं, टेक्स्ट के अंदर आपको सभी फिल्टर्स दिए गए हैं, स्टिकर्स भी जो है फुल्ली अपडेटेड हैं, और सभी के सारे नए फीचर आपको देखने को मिलते हैं। इवन जो वीडियो टूल बॉक्स है उसके अंदर जो है आपको वही सारे मोड देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको पोको X3 के इंडियन वर्जन में देखने को मिलते हैं, जैसे रिकॉर्ड, स्क्रीनशॉट, कास्ट, स्टाइल और साउंड। साउंड में जाकर जो है आप साउंड की जिसकी परफॉर्मेंस है उसको यहाँ से बेटर कर सकते हैं, उसकी क्लैरिटी या उसके वॉल्यूम में थोड़ा सा बूस्ट भी दे सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पे गैलरी के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर रीसेंट पैनल की बात की जाए तो आपको स्प्लिट स्क्रीन का ही ऑप्शन देखने को मिलता है, क्योंकि ये पोको लॉन्चर है, इसमें आपको फ्लोटिंग विंडोज़ का ऑप्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। बट हाँ, आप किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर टैप करके उसके ऊपर एज ए फ्लोटिंग विंडो आप यूज़ कर सकते हैं, उसके साइज़ को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कम ज़्यादा जो भी करना चाहें, और स्वाइप अप करके आप उसको क्लोज भी कर सकते हैं। हाँ जी, गेम बूस्टर के अंदर जो है आपको इसके अंदर जो है वॉइस चेंजर का सपोर्ट जरूर दिया गया है। सभी के सभी एप्लीकेशन जो है फुली अपडेटेड है, आपको कोई भी इसके अंदर फालतू की अनवांटेड एप्लीकेशंस देखने को नहीं मिलती है, और काफ़ी सारी गूगल की एप्लीकेशंस को आप इसके अंदर डायरेक्टली यहाँ से अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। अगर बेंचमार्क स्कोर की बात की जाए कि बेंचमार्क स्कोर कितना मिलता है इस रोम को, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बेंचमार्क स्कोर मिला है 152195, जो कि एक ठीक ठाक एवरेज स्कोर है इसका पोको X3 के ऊपर। इवन हम सेटिंग्स पैनल की बात करें तो सेटिंग्स पैनल जो एज इट इज़ वही आपको देखने को मिलता है, बट कुछ छोटे मोटे चेंजेस आपको जरूर Xiaomi EU के रूम में देखने मिलते हैं। जैसे आप लॉक स्क्रीन में जाएं तो लॉक स्क्रीन में जो है आपको इसके अंदर चार्जिंग एनिमेशन का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा था कि हमारा जो चार्जिंग एनिमेशन था वो वेव था, आपको ग्लो, फ्लो, ऑफ, ये कुछ एनिमेशन यहाँ पे मिल जाते हैं। आपको साइड पैनल शॉर्टकट्स मिल जाते हैं जिनको आप यहाँ से इजीली एक्सेस कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अगर हम कुछ और चीज़ों की बात करें तो डिस्प्ले में, डिस्प्ले के अंदर वही आपको कलर स्कीम, रिफ्रेश रेट, सारे के सारे ऑप्शन एज इट इज वही मिलते हैं। आप कंट्रोल सेंटर में जाके जो है इसके अंदर जो है आप कंट्रोल सेंटर को इनेबल या डिसेबल करते हैं, बट इसके कंट्रोल सेंटर में आपको एक फायदा और है कि जो आपको इंडियन वर्जन में जो है यहाँ पे कैटेगरीज के ऑप्शन देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आप जो है अपने डाटा लिमिट या अपने हेल्थ एप्लीकेशन या अपने स्क्रीन ऑन टाइम को यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं, जिसको भी आप चाहते हैं वही आपको जो है यहाँ पे विजिबल होगा। तो ये ऑप्शन भी आपको इसके अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाता है इसके कंट्रोल सेंटर के अंदर, तो ये भी एक आपको एडवांटेज यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट चीज इसकी हम बात करेंगे वॉलपेपर के बारे में, होम स्क्रीन के बारे में हम बात नहीं करेंगे, वो एज इट इज पोको लॉन्चर है, वो सारे फीचर हैं। वॉलपेपर्स में आपको इसके अंदर जो है सुपर वॉलपेपर्स का सपोर्ट दिया गया है, जिसमें फार अवे रिंग्स यानी सैटर्न वॉलपेपर, आपका होम वॉलपेपर और आपका द रेड प्लैनेट वॉलपेपर, ये सभी वॉलपेपर जो है आपको इसके अंदर
अवेलेबल मिलते हैं। तो ये भी आपको एक इसके अंदर एडवांटेज देखने को मिलता है कि आपको इसके अंदर एक तो चार्जिंग एनिमेशन दिया गया है, MIUI का डायलर दिया गया है, आपको सुपर वॉलपेपर्स का सपोर्ट देखने को मिलता है और कंट्रोल सेंटर को आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो ये भी एक चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिली है। अगर हम कुछ और चीज़ों की बात करें, फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट, उसमें सचेस कोई इशू नहीं है, वो एज इट इज़ वैसे ही काम करते हैं। बैटरी परफॉर्मेंस जो है आपकी जो इंडियन वर्जन है उससे मुझे बेटर लगी है और गेमिंग परफॉर्मेंस भी इस रोम की इंडियन वर्जन से बेटर है। बाकी कुछ और चीज़ों को भी चेक करें तो एडिशनल सेटिंग में वही आपको फुल स्क्रीन डिस्प्ले वगैरह मिल जाता है। बाकी आपको स्पेशल फीचर्स में आप जाएं तो वही आपको नॉर्मल जैसे गेम टैबो, वीडियो टूल बॉक्स, फ्लोटिंग विंडो, सेकंड स्पेस, MIUI, ये कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कुछ इस तरीके का आपको जो है रोम यहाँ पे देखने को मिलता है। राइट साइड पर स्वाइप करते हैं वही आपको ऐप वर्ल्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। बट आप इसके थीम स्टोर पर जाएं तो थीम स्टोर में जो है आप थर्ड पार्टी थीम्स का सपोर्ट आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। आप थीम्स में जाइए, वहाँ पर जाके जो है आप काफ़ी सारी थीम्स जो है वहाँ पर इम्पोर्ट कर सकते हैं। आप माई अकाउंट में जाएंगे थीम सेक्शन में, यहाँ आपको इम्पोर्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ से आप जो है थर्ड पार्टी थीम्स को भी अपने फ़ोन के अंदर ईजिली यूज़ कर पाएंगे। तो ये भी आपको एक एक्स्ट्रा फीचर जो है यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिलता है। रोम इस टाइम पे काफ़ी स्मूथ है और आप उसको एज ए डेली ड्राइवर जो है अपने फ़ोन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। बस सिर्फ आपको कोई कस्टम रिकवरी चाहिए जिसके थ्रू जो है आप इसको अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो वही सारी चीज़ जो है अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे जो है आप इसको अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करेंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑरेंज फॉक्स या TWRP जो कस्टम रिकवरी है जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी दो डेडिकेटेड वीडियो बना रखे हैं उनको एक बार चेकआउट जरूर कर लें, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कस्टम रिकवरी को आप अपने फ़ोन के अंदर कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो उस वीडियो को चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आपको Xiaomi EU का जो रोम है उसको डाउनलोड करना है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है जहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम चलते हैं फाइल्स मैनेजर में और ये वो फाइल है Xiaomi EU की मल्टी पोको 3 NFC की फाइल। इसको आप इंडियन वर्जन के अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसको आपने डाउनलोड कर लेना है जो कि अराउंड 2.58 GB की है। उसके बाद जो है आपको एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि आपको इसके अंदर जो है एक्सटेंडेड पावर मेनू का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। मैं आपको दिखा देता हूँ जो किस तरीके से काम करता है। ये देखिए आप पावर मेनू के ऊपर जाएंगे, आप रीबूट पर जाएंगे तो देखिए आपको फास्ट बूट, टैप टू रीबूट या रिकवरी मोड ये कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इसको इनेबल करने के लिए आपने क्या करना है, पहले सेटिंग्स पर जाइए, माई डिवाइस पर जाइए, ऑल स्पेक्स पर जाइए, MIUI का वर्जन के ऊपर 8 से 9 बार टैप करेंगे। ये आपको बोलेगा कि यू आर नाउ ए डेवलपर। उसके बाद जो है आप अपने एडिशनल सेटिंग्स में जाएंगे, एडिशनल सेटिंग्स में आपको डेवलपर ऑप्शंस का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। यहीं पे जो है आपको इसके अंदर जो है आपको एक्सटेंडेड पावर मेनू का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसको इनेबल करते ही आपके फ़ोन के अंदर जो है एक्सटेंडेड पावर मेनू एक्टिवेट हो जाता है। तो हम डायरेक्टली यहीं से अपने फ़ोन को कस्टम रिकवरी मोड पर बूट करेंगे। अब काफ़ी लोग बोलते हैं हमारे फ़ोन के अंदर कस्टम रिकवरी इंस्टॉल नहीं है, तो वो पहले आपको इंस्टॉल करनी पड़ती है, उसके लिए बूटलोडर अनलॉक करना पड़ता है, तभी आपको कस्टम रिकवरी देखने को मिलती है। अदरवाइज आपको मी की ही रिकवरी देखने को मिलेगी। सभी के सभी जो डिस्क्रिप्शन में मैंने जो वीडियो दे रखे हैं उनमें सारे के सारे गाइड्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। तो हम रीबूट पर जाते हैं और इसको रिकवरी मोड पर बूट कर लेते हैं। हम अपने फ़ोन के अंदर इस टाइम पर ऑरेंज फॉक्स की जो कस्टम रिकवरी है उसको यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसी के थ्रू जो है इस रोम को फ्लैश करेंगे। डाटा का बैकअप जरूर रहेगा क्योंकि आपका सभी डाटा जो है इसके बाद अब वाइप होने वाला है। तो ये देखिए अब जो हमारा फ़ोन जो है ऑरेंज फॉक्स की जो कस्टम रिकवरी है उसके ऊपर ऑलरेडी बूट कर चुका है। कुछ इस तरीके की आपको यहाँ पे अपने फ़ोन के ऊपर स्क्रीन देखने को मिलती है, ऑरेंज फॉक्स रिकवरी। जैसे आप ऑरेंज फॉक्स की रिकवरी के ऊपर आएंगे सबसे पहले आपने क्या करना है, जो वाइप का ऑप्शन होता है उसके ऊपर जाना है। वहाँ से डाल्विक कैश, डाटा, कैश फाइल इन तीनों को सिलेक्ट करके आप स्वाइप टू वाइप कर देंगे। जैसे ये वाइप होकर कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद बैक जाइए, फाइल्स पर जाइए, वहाँ से Xiaomi EU का रोम उसको सिलेक्ट कीजिए एंड स्वाइप टू इंस्टॉल। अब ये नियर अबाउट 1 to 2 minutes लेगा इंस्टॉल होने का, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि ये सक्सेसफुली हमारे पोको X3 के अंदर इंस्टॉल हो जाए और उसके बाद मैं बताऊंगा आपको क्या करना है और कैसे अपने फ़ोन को बूट करना है। तो ये देखिए फाइनली रोम जो है इंस्टॉल हो गया है। आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, वाइप कैसे एंड रीबूट सिस्टम, आप कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद सीधा आप मेनू पर जाएंगे, अगर ऑरेंज बॉक्स रिकवरी है तो आप मेनू पर जाएंगे, अगर आप TWRP है तो आप जो वाइप का ऑप्शन है वहाँ पर जाके इसको जाके फॉर्मेट डाटा लिखा होता है उसको क्लिक करेंगे। बट हम ऑरेंज फॉक्स की रिकवरी यूज़ कर रहे हैं तो मैनेज पार्टीशंस, डाटा टैप कीजिए, फॉर्मेट डाटा YES ओके। उसके बाद आप रिबूट सिस्टम कर देंगे एंड आपका फ़ोन जो पोको X3 है वो Xiaomi EU के रोम के साथ रन करेगा। तो इस तरीके से जो है आप Xiaomi EU का जो रोम है उसको अपने पोको X3 इंडियन वर्जन जिसका कोड नेम करना है उसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। अब कुछ ही देर में आपके फ़ोन के ऊपर जो है MIUI 12 की बूट स्क्रीन आएगी, दैट मीन्स जो है रोम आपने सक्सेसफुली अपने पोको X3 के अंदर फ्लैश कर लिया है। तो इस तरीके से जो है आप इस रोम को अपने पोको X3 फ़ोन में फ्लैश कर सकते हैं। आने वाले दिनों में काफ़ी सारे कस्टम रोम रिलेटेड वीडियोस आने वाले हैं पोको X3 के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल के नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।